उदाहरण दो, नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप क्या होंगी? हल, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण तीनों अंतः कोणों के योग एक सौ अस्सी अंश होता है, इसीलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान हमारे पास दिया है x अंश धन कोण बी का मान दिया है x अंश धन 40 अंश, और उसी तरह से कोण सी का मान दिया हुआ है x अंश धन 20 अंश बराबर 180 अंश, या x अंश धन x अंश बराबर 3x अंश धन 40 अंश धन 20 अंश बराबर 60 अंश बराबर 180 अंश, या 3x अंश बराबर 180 अंश धन 60 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 60 अंश, या 3x अंश बराबर 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर 120 अंश, या x बराबर 120 अंश बटा 3, या x अंश बराबर 40 अंश। चूंकि दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोणों के माप इस प्रकार है, कोण ए बराबर x अंश बराबर हमने ज्ञात किया x का मान 40 अंश, उसी तरह से कोण बी बराबर x अंश धन कोण बी बराबर x अंश धन 40 अंश है हमारे पास, बराबर x का मान हमने निकाला है 40 अंश धन 40 अंश बराबर 80 अंश, उसी तरह से कोण c जो है वो हमारा x अंश धन 20 अंश है, बराबर x का मान हमने 40 ज्ञात किया है तो 40 अंश धन 20 अंश बराबर 60 अंश। इस तरह से हमने त्रिभुज के तीनों कोणों के मान को ज्ञात किया, कोण ए बराबर 40 अंश, कोण बी बराबर 80 अंश और कोण सी बराबर 60 अंश। तो यह उदाहरण दो का हल है। करके देखें। पहला, एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपए हैं। दूसरा, एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप 60 अंश है तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तीसरा, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी?